अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी अभी जो है मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई है और 3 बज गए हैं। अम्मा किचन में आ गई हैं, टाइम फॉर सहरी। आज जो है आप लोगों ने अली की वीडियो में देख तो लिया होगा मेरा सक्सेसफुल पराठा एक्सपेरिमेंट। तो आज मैं अपने और अली दोनों के लिए पराठे बना रही हूँ, इफ़ अम्मा वांट्स तो बाकी सब के लिए भी बना लूँगी। और साथ में मुझे जो है एक बहुत ही शदीद देसी स्क्रैम्बल खागीना टाइप खाने का दिल जा रहा है। एक मेरी क्लाइंट है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं ब्रेकफास्ट में ऑमलेट फ्राइड एग की जगह खागीना बना लूँ, तो शी पुट खागीना इन माई हेड एंड आई फील लाइक हैविंग अ खागीना। बट इट्स नॉट रियली गोइंग टू बी खागीना, इट्स सॉर्ट ऑफ गोइंग टू बी समथिंग जो हमारे घर में बैक इन कराची बहुत मशहूर अल मशहूर ऑमलेट होता था। उसमें हम लोग बस तेल के अंदर थोड़ा सा जिंजर को सॉटे करके, फिर उसमें टमाटर प्याज जो अच्छी तरीके से फ्राई करके, फिर उसमें अंडे डाल के, फिर उसको धनिया छिड़क के, सॉल्ट पेपर डाल के बनाते थे। एंड समटाइम्स इफ यू फीलिंग एक्स्ट्रा फैंसी वी ऐड चीज एज वेल। तो चलिए चल के शुरू करते हैं। अली अभी दोस्त के घर ही गया हुआ है अपने, तो उससे भी पूछेंगे वो क्या खाएगा, इफ़ ही वांट्स खागीना और इफ़ ही वांट्स जस्ट स्क्रैम्बल्ड एग्स। लेट्स सी, बट अभी पराठे तो शुरू करते हैं। भाई पेड़ों का जो है वजन करके रख दिया, क्योंकि अम्मा जो है ना बहुत चीटिंग करती हैं। नहीं, थोड़े बड़े कर देती हैं और घी भी एक्स्ट्रा डालती रहती है। पराठों का तो डिपार्टमेंट अम्मा ने ले लिया, मैं भाई सबके लिए खागीना बना रही हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। ये हम लोगों ने डाला है इसमें 5 ml विच इज़ 1 teaspoon ऑफ ऑयल ओनली। ये मैंने जो है टमाटर प्याज अदरक का जो है ऑलरेडी एक मिक्सचर बना के रखा है, हरी मिर्चें भी इसी में हैं। तो ये हम लोग इसके 2 tablespoon मेरे में डालेंगे और बाकी जो है अम्मा हमना और उमर के ऑमलेट में जाएगा। ये देखें जी, अम्मा को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए कि 1 tablespoon घी से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आज अम्मा ऑनेस्टली बना रही हैं। बस देखो ना इतना अच्छा बनेगा ये भी। चलो तेल गर्म होके हम डालते हैं। ये जो है सॉटे हो रहे हैं, इनको कच्चा नहीं छोड़ना बिल्कुल, इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। और इसमें हम लोग एग मिक्सचर में सिर्फ सॉल्ट और पेपर डालेंगे। ये भून गए हैं, अब हम इसमें अंडे डाल देंगे। मैं अपना बना रही हूँ 2 whole eggs और 2 whites का। इसको ऐसे स्क्रैम्बल करेंगे। ये जी मेरा बन गया है यमी यमी। अब अम्मा लोगों का बनाते हैं। ये कम तेल डालने का ये नुकसान होता है भाई। ये जी मेरा नाश्ता बन गया है डन, और अभी आपको इसकी सारी कैलोरीज जो हैं साइड पे नज़र आ जाएंगी विद ईच इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट। ये अब बाकी सबका ऑमलेट इन द मेकिंग है। आप किसका परांठा बना रही हैं? ये डैडी का है, अब उमर का बताऊँ। डैडी का, फिर उमर का, मेरा तो बन गया है हमजा का वोरा और मेरा वोरा। ये भाई बाकी सबका बन गया, अब अली हमजा के स्क्रैम्बल्ड एग्स की बारी। चलें जी, ये मेरा नाश्ता, ये अली का नाश्ता। कुछ थोड़ी काली मिर्च ज़्यादा हो गई है। ये सब के पराठे, सब का अंडा, अम्मा की चाय। आज अम्मा को चाय का मूड हो रहा था भाई। हाँ भाई, चाय बहुत दिल चाह रहा था। और ये साथ में मैंने थोड़ा सा जो है बिल्कुल 2 tablespoon दही विद अ लिटिल बिट ऑफ शक्कर भी। दिल चाह रहा था आज मुझे। तुमने बनाया पराठा? नहीं, अम्मा ने बनाया। सही बताओ। हाँ, अम्मा ने बनाया। अम्मा कैसा बनाया ऑमलेट? जबरदस्त। आपने कल भी बोला था जबरदस्त, उसमें इतना नमक ज्यादा हो गया था। बहुत मजे का। आज नमक ज्यादा तो नहीं था, बहुत ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा तेज था, खाया गया। आज तो परफेक्ट है हर चीज। और मुझे कोई अंडा बना के दे मुझे मजा आता है। सहरी भी हो गई, नमाज शमाज भी पढ़ ली, सब हो गया। अब हम लोग बिक्की साहब को ज़रा लाए हैं वॉक पे। और भाई मुझे तो बहुत गर्मी लग रही थी, बिकॉज़ लाइक इन लोगों को कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग रही है। ये देखें ज़रा हाल देखें। और इसने जो है कि कहते हैं सारा पंखे वंखे सब बंद करके और कंबल में मुझे लाइक घुस के बैठा हुआ है और रज़ाई भी नहीं हटा रहा, रज़ाई भी नहीं हटा रहा। तो मैं तो भाई आई टुक अ कोल्ड शावर, लाइक अ कोल्ड शावर, एंड नाउ आई फील नाइस। बिक्की साहब को हम लोग अपने ही लॉन में ले आए हैं आज, बस क्विक सी वॉक करानी थी बेचारे को। चले जी, मेरी स्किन केयर भी हो गई है, अब मैं ज़रा अपना शो देखूं और फिर उसके बाद सो जाऊं और आप लोगों से उठ के मुलाकात होती है इंशाल्लाह। इन साहब की भी स्किन केयर हो गई, लुक एट दैट ग्लो, दैट ग्लो।
माशाल्लाह, समर इज बिकमिंग वेरी रेगुलर विद हिज स्किन केयर. अली मुझे खुद याद कराता है कि मेरी स्किन केयर कर दो, मेरी मॉर्निंग स्किन केयर कर दो, मेरी इवनिंग स्किन केयर कर दो. आई एम सो प्राउड ऑफ हिम. दिस इज योर क्यू, योर रिमाइंडर टू ऑल्सो बिकम रेगुलर विद योर स्किन केयर. गाइज, मेरी जो है ना, कल की किसी वीडियो पे किसी ने कमेंट किया हुआ था, एक यूट्यूब सब्सक्राइबर ने, कि आप अपनी टीवी से जो है अपने हेडफोन्स कनेक्ट कर सकती हैं. एंड आई जस्ट डिड इट एंड आई एम वॉचिंग माई शो एंड आई कैन हेयर इट इन माई हेडफोन्स. मैं फुल वॉल्यूम पे अब सुपर नेचुरल देखूँगी अंधेरे में विद द फुल इफेक्ट्स विदाउट दिस गाय गेटिंग डिस्टर्ब. इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड. आई लव यू माई सब्सक्राइबर. Assalamu alaikum everyone. I have just gotten up. It is 1 PM और अब मैंने जल्दी से अपना मूड धोया और मैं जो अपनी क्विक सी AM स्किन केयर करूँगी एंड देन आई एम गोइंग टू प्रे देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट कुकिंग. आज इफ्तार मेन्यू पे है क्रीमी चिकन कैलज़ोन्स, वो भी आप लोगों को बनाना सिखाने हैं एंड पूरा दिन भी आप लोगों के साथ गुजारना है. चले जल्दी से क्विक सी स्किन केयर करते हैं. अली, यू कैन सी एट द बैक, इज स्टिल वेरी मच अस्लीप. इसको मैं पिछले आधे घंटे से उठाने की कोशिश कर रही हूँ. सो वी आर जस्ट डूइंग विटामिन सी एंड सनस्क्रीन टुडे. ठीक है, मुझे कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा नहीं करने का दिल चाह रहा. ये ग्लो रेसिपी का विटामिन सी है. दिस ऑल्सो हैज़ ट्रिनेक्सिमिक एसिड विच ऑल्सो हैज़ ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज. इसको हम एब्जॉर्ब होने देंगे थोड़ा, फिर हम सनस्क्रीन लगा लेंगे. अच्छा जी, दिस इज़ द सनस्क्रीन. ये इसेंट्री की हाइलुरोनिक एसिड वाटरी सनजेल है. यू गाइस हैव सीन मी यूज दिस अ लॉट. आई गॉट दिस फ्रॉम स्किन स्टोर पाकिस्तान. यू कैन सर्च देम ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन ऑर्डर डायरेक्टली ऑन देयर वेबसाइट. 2 finger लेंथ स्टैंडर्ड अमाउंट. दिस बिस्किट को थोड़ा खुला छोड़ा हुआ है हमने एंड ही इज गोइंग वाइल्ड. ये देखें, इट ब्लेंड्स सो नाइसली. बिस्किट ये लो. और ये बहुत अच्छा सा एक ग्लो भी छोड़ देता है. थोड़ा सा एफर्टलेस मेकअप करेंगे जिसमें वी जस्ट गोना डू लिपस्टिक एंड मस्कारा एंड ब्लश. लिपस्टिक हम लोग रेयर ब्यूटी की सूफले लिप क्रीम यूज कर रहे हैं इन द शेड इंस्पायर. इसका टेक्सचर जो है ना, इतना अच्छा है. ओफ, इट्स एक्चुअली लाइक अ सूफले. मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाती बिकॉज इट्स टू रेड. लाइक अब देखिए, इतना कम लगाने से भी इतना अच्छा खासा रेड हो गया. वेरी पिगमेंटेड मस्कारा एज ऑलवेज बेनिफिट कम देयर रियल मैग्नम मस्कारा. और ब्लश ऑन जो है पिक्सी का ऑन द गो ब्लश इन द शेड फ्लेयर. ये मैंने जोहा भी हंसी मंगवाया था. ये देखें जी, लुक एट द ग्लो. जी नमाज पढ़ ली और अब थोड़ा सा कुरान पढ़ें. ये एक बहुत ही अच्छा कुरान है जो हमें उम्रे पे हम लोगों, आप लोगों ने अली की वीडियो में देखा होगा, जिन लोगों से मिले थे उन्होंने हमें गिफ्ट किया था ना. आई थिंक दैट्स द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव समवन. इसमें बहुत अच्छी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिखी हुई है. सो इट्स रियली रियली नाइस एंड आई रियली लाइक इट. एंड आई पर्सनली बिलीव कि यू नो, बहुत सारे लोग एम करते हैं कि वो रमज़ान में कुरान ख़त्म करें, विच इज़ वेरी नाइस. ठीक है, आपको कुरान ख़त्म करना चाहिए, आपको जिक्र करना चाहिए, आपको पढ़ने की वो करनी चाहिए. लेकिन उससे ज़्यादा मेरे पास फजीलत ये है कि आप जो भी पढ़ें, आप समझ के पढ़ें कि लिखा हुआ क्या है. क्योंकि इन दी एंड ये किताब आपकी गाइडेंस के लिए भेजी गई है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप पढ़ पढ़ के ख़त्म करें. ऑब्वियसली तिलावत का भी बहुत सवाब है, लेकिन ये आपकी गाइडेंस के लिए भेजी गई है और इसमें हर चीज़ का जवाब है. मैंने पर्सनली कुरान जो है 3-4 दफ़ा तर्जुमे के साथ पढ़ा हुआ है. तो यू नो, हर चीज़ लाइक एनी थिंग दैट यू नीड गाइडेंस फॉर इन योर डेली लाइफ, इन यू नो बिजनेस के मामले या मैरिज के मामले, ये सब हर चीज़ की गाइडेंस है. सो आई थिंक यू शुड रियली रियली ट्राई टू रीड कुरान विद ट्रांसलेशन इंस्टेड ऑफ जस्ट एमिंग टू फिनिश इट यू नो इन रमज़ान. चलें जी, हम लोग अब अपने इफ्तार की प्रेप शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोगों ने जो है चिकन बॉयल होने रख दी है, बिकॉज़ इसमें बॉयल्ड चिकन जाएगी
और मैंने एक KNN स्टैंडर्ड ब्रेस्ट का पैकेट यूज़ किया है जिसमें 7 फिलेज होते हैं 100-100 ग्राम के, तो इसमें से 2 मेरे हैं 200 ग्राम्स, इसमें से 100 ग्राम मैं इफ्तार में कैलज़ोन में यूज़ करूँगी और 100 ग्राम फिर रात में अम्मा की रेसिपी से वो पनीनी बनाऊंगी जो उन्होंने कल बनाया था, और 500 ग्राम्स अली की है जिसके लिए 2 कैलज़ोन्स बनेंगे 250 ग्राम्स के ऑफ चिकन के, बिकॉज हिज प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आर मच हायर देन माइन. ठीक है, ये जो रेसिपी है इसकी, ये बेसिकली रेसिपी हमना की है. हमना चिकन चीज़ पैटीज़ बनाती है, तो उसकी जो पैटीज़ का फिलिंग होता है वो मैंने इंस्टेड टोर्टिया में डाल के कैलज़ोन बना लिया. बट हम अगर आप हमना के इंस्टाग्राम पेज पे जाएं, इट्स कॉल्ड ब्लिस इन अ बाइट, तो उस पर एक पैटीज़ की रेसिपी होगी, फिलिंग इज़ एग्जैक्टली द सेम. सो इन केस मेरे समझाने से आप लोगों को रेसिपी नहीं समझ आती, आप लोग वहाँ जाके रिटन और डिटेल्ड वो देख सकते हैं. सबसे पहले हम लोगों ने जो है चिकन बॉयल होने रख दिया, आप देख लें इंडिविजुअल ब्रेस्ट फिलेज हैं, दीज आर ईच 100 ग्राम्स. ये अब बॉयल होगी, मैं तब तक थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँ. आज हम लोग कर रहे हैं नेफ्रोलॉजी एंड ऑप्थल्मोलॉजी, और ये मेरे नोट्स के लिए रेडी है. लेट्स बिगिन. हमारी चिकन बॉयल हो गई है, अब हम इसको श्रेड कर लेंगे दो कांटों से. श्रेड हो गई है ये मेरी, ये अली. अम्मा आज मेरी स्पेगेटी की रेसिपी से उमर के लिए स्पेगेटी बना रही हैं, और मैं अम्मा की रेसिपी से पनीनी बना रही हूँ. अरे ये देखो कितना है, हाँ पूरे 100 है. गाइस हम लोगों ने शुरू कर दिया मिक्सचर, और अली हमसे तंग कर रहा है, जा नहीं रहा बाहर. स्किन देखें गाइस, स्किन का ग्लो देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह जी. ये जो है हम लोगों ने बटर लिया 10 ग्राम, और इसमें थोड़ा सा हम लोग गार्लिक सॉटे कर रहे हैं, सॉटे करके इसमें प्याज डालेंगे, फिर प्याज सॉटे करेंगे. प्याज चले गए, प्याज सोटे में, ये ब्लिस इन अ बाइट की रेसिपी बन रही है. अब हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल किया है. हमना की ओरिजिनल रेसिपी में तो 2 टेबलस्पून था, बट बिकॉज हम लोग के पास उतना है नहीं मिक्सचर का, हम लोग ने सिर्फ स्प्रिंकल किया, और इसको मैंने ट्रैक भी नहीं किया, ये इतना कम था, लाइक लेस देन 5 ग्राम्स. सही है, फिर हम लोग इसमें ये अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे. अब हम लोग इसमें 150 ml मिल्क डालेंगे. अब जो है दूध गाढ़ा हो रहा है, इसमें मैंने 1 चिकन क्यूब, ये देखें ये दूध इतना गाढ़ा हो गया, 1 चिकन क्यूब और काली मिर्च डाल दिए, नो सॉल्ट, कस चिकन क्यूब हैज़ इनफ सॉल्ट. हम लोगों ने इसमें अपनी श्रेडेड चिकन और शिमला मिर्च डाल दी है, और हम लोग बस अब इसको मिक्स करके बंद कर दिया, और मिक्सचर तैयार. और यहाँ निगेट्स किचन का BTS चल रहा है, फोटोग्राफर रेडी हैं, मॉडल रेडी हैं, क्या बना रही है, स्पेशल पकोड़े. स्पेशल पकोड़े, ओह माय गॉड, देखिएगा. यस, फाइनली हम लोगों ने इसमें 35 ग्राम चेडर चीज भी डाल दिया, अब ये मेल्ट हो जाएगी. हम लोगों ने जो है मिक्सचर टोर्टिया में डाल दिया, अब हम इसको ऐसे फोल्ड करके एग वाइट लगा के बंद करेंगे. मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोगों ने कैलज़ोन फोल्ड करके जो है एयर फ्राई में डाल दिया. अगर आप लोगों के पास एयर फ्रायर नहीं, आप ओवन भी यूज़ कर सकते हैं. और ये एग बीट हुआ है, ये इसके ऊपर हम लोग ब्रश कर देंगे हल्का सा. मैंने इसके ऊपर एग ब्रश कर दिया, अब हम इसको एयर फ्राई करेंगे. एयर फ्राई हम लोग करेंगे इसको 185 पे फॉर 9 मिनट्स. एयर फ्राई में है, अब अली का शुरू किया है मैंने. और अम्मा का भी दिखाओ, अम्मा के पकोड़े गाइस देखें ज़रा. हमारे ना अम्मा घर पे कराची में एक दफ़ा ना ऑस्ट्रेलियन कुक आया था. अच्छा. उसने बनाए थे कोरियन फ्रेंच फ्राइज. अच्छा. ठीक है, वो इसी तरह के पकोड़े होते थे वो. अच्छा. मिक्स सारे आलू वगैरह सब होता था उसमें, वो इतने मज़े के होते थे, बिल्कुल वो लग रहे हैं. आप एयर फ्राई कर लो, थोड़ा सा एयर फ्राई कर लो. चार पकौड़े डाल देना ना इसमें. चलो ट्राई करते हैं. हमारा कैलज़ोन हो गया है, एंड लुक एट दैट, आहा, 55 सेकंड्स रह गए. हम पहले इसको बंद करते हैं, थोड़ा सा खोल देंगे ताकि ये और कुक ना हो. ऐसे हो गया है, मुझसे थोड़ा सा एयर फ्रायर से निकालने में टूट गया था, और इसकी कैलोरीज और मैक्रोज जो हैं अब आप लोगों के पास साइड पे नज़र आ रहे होंगे विद द ब्रेक डाउन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स. स्पाइसेस को मैं ट्रैक नहीं करती, मैदा जो मैंने इसमें डाला था वो मैंने ट्रैक नहीं किया, एवरीथिंग एल्स इज ट्रैक्ड. खाना वाना बन गया था, हमना को जो है मिंट मार्गरीटा बनाना था, तो डाइट से मैंने खत्म हो गया लग रहा था, इसीलिए हम जा रहे हैं कुछ लेने. डाइट से लेके आ सकता था,
डाइट सेवन अप नहीं थी, तो अब हम लोग पंजाब कैश एंड कैरी जो है जा रहे हैं जल्दी से डाइट सेवन अप लेने के लिए। अली को भेज रहे थे बट मैं फारिग हो गई इसका खाना वाना बना कर, तो मैंने बोला मैं भी चल रही थी, मुझे रोज़ा लग रहा है तो थोड़ा सा टाइम ही गुजरेगा। जो आखिरी के 20 मिनट होते हैं ना ये इतने ज़्यादा चुभते हैं, बट ये कबूलियत के वक्त होते हैं। पंजाब कैश एंड कैरी क्यों जा रहे हैं, जल्दी से लेके वापस चलते हैं, वापस टाइम होगा फिर भी। आज डैडी मुल्तान गए हुए तो हमना हमारे हेड ऑफ द फैमिली है। टेस्ट टेस्ट फॉर द कैल्ज़ोन। मुझसे तो खाया मैंने थोड़ा सा। अच्छा अगर तो मुझे तुम पहले बता देना इतना बड़ा है, फिर बोल दो दूसरा बना दो इतना, तो दूसरा भी बना बन जाएगा रात में। रोजा खोलिए। नाइस। आई एम फाइन। पकोड़ा भी मैंने खा लिया। अब आपको टेस्ट करके मैं बताती हूं। अम्मा जो है ना इफ्तारी के बाद उनको चाय की क्रेविंग होती है। हाँ। तो आज मैंने बोला कि हम लोग जो है दोनों बैठ के जीतो पाकिस्तान देखते हैं। हाँ। और साथ में हमना ने जो है डोनट्स की रेसिपी बनाई थी, और हमना को ना तब से बहुत वो हो रहा था कि मेरे डोनट्स जो है डोनट्स नहीं लग रहे और अच्छे नहीं बने, शेप नहीं वैसा। बट आई जस्ट हैड अ बाइट और ये मेरे ट्रैक्ट भी नहीं, और मैंने खाने भी नहीं थे, इतने मज़े के हैं कि मुझसे रिजिस्ट नहीं हो रहा। ये दिखा। They are too 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 good। और अंदर जो है क्रीम की फिलिंग भी है, कस्टर्ड फिलिंग। बहुत मज़े क्या। भाई इतने टैलेंटेड शेफ सारे हमारे ही घर में आ गए माशाल्लाह से, बंदा पतला ही नहीं हो सकता। हम लोग देख रहे हैं जी तो पाकिस्तान। थैंक यू नसरीन, मेरा लेफ्ट ओवर कैल्ज़ोन। भाई बड़ा ही एंटरटेनिंग शो है। गाइस ये देखें, अम्मा ने बिस्किट का खाना पकड़ा है और इसकी शुरू हो गई डुगडुगी। प्याला नहीं है तो पड़ा। क्या खिला रहे हो ब्रूनो को? पीनट पिक। ब्रूनो की कैचिंग स्किल्स देखें गाइस, गुड बॉय। अगर फुटबॉलर होता ना या ये होता क्रिकेटर, बेस्ट होता इन द वर्ल्ड। गुड बॉय। भाई प्री वर्कआउट हाथ में आ गया है, सो यू गाइस नो व्हाट टाइम इट्स अबाउट टू बी। It's about to be gym time, but आज मेरा no weights day है, so I'm going to do 1 hour of cardio and a little bit of body weight exercises. अच्छा guys, so हम लोग जो हैं थोड़ा सा काफ़ी time बाद मैं और अली वैसे like you know deep life discussions के लिए बैठे, और इतना time गुजर गया हमें पता ही नहीं चला। So gym अभी हम लोग नहीं गए, but now Ali is hungry, so he wants to have dinner, and as always yeah we're going to the gym, but as always gas नहीं आ रही, तो अब मैं sandwich जो है वो बना रही हूँ हमारे ever so reliable electric pressure cooker में। तो आप लोगों को वैसे तो रेसिपी अम्मा ने अपलोड की हुई है, अभी कल ही उन्होंने की है पनीनी रेसिपी, और जिन लोगों को नहीं पता निगत्स किचन नाम है उनके चैनल का, बट हम उसी रेसिपी को देख के बना रहे हैं। जो है हम लोगों ने तेल लिया है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून तेल में जो है मैं अपना और अली दोनों का चिकन कर रही हूँ ग्रिल, ठीक है। और इसमें हम लोग थोड़ा सा गार्लिक सॉटे कर रहे हैं, सॉटे। अब हम लोग जो हैं इसमें प्याज और शिमला मिर्च को सॉटे कर रहे हैं, इसको अच्छी तरह से थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। अभी हम लोगों ने इसमें अपनी श्रेडेड चिकन डाल दी है, और अब हम लोग इसको सीजन करेंगे। गाइस तो मम्मा का फ़ोन आ गया था इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। सैंडविच हमारा तैयार है, उसमें जो है हमने चिकन में सीजनिंग डाली थी, नमक, काली मिर्च, वाइट पेपर, पेपरिका, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, ठीक है। फिर उसके बाद वो डाल के उसमें हम लोगों ने थोड़ी सी अबाउट 20 ग्राम्स केचप डाल के उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। फिर वो मिक्सचर हमने ब्रेड के अंदर डाला था, उसके ऊपर 35 ग्राम चेडर डाली थी, उसके ऊपर टोस्ट डाला था, टोस्ट के ऊपर बटर लगाया था 10 ग्राम, और उसको मैंने चूल्हा तो जल नहीं रहा था तो नॉर्मली हम ग्रिल करते हैं, मैंने एयर फ्राई कर लिया था। तो अब आ गया है भाई टोस्ट होके, एंड इट लुक्स रियली रियली नाइस। तो अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आया तो आप लोग अम्मा की रेसिपी भी जाके देख सकते हैं, इट्स द सेम, सिर्फ अमाउंट्स डिफरेंट है। मैं आप लोगों को सैंडविच की शक्ल दिखाती हूँ। ये देखिए जी, आवर सैंडविच इज़ रेडी। लुक एट दैट चीज़,
और इसकी कैलोरीज जो है यहाँ लिखी भी आ जाएंगे। गंदी इतनी स्मेल आ रही है धोए। क्रिस्पी क्रिस्पी। And we're finally at the gym. Thank you. Guys, it is 2 a.m. almost, and I am done with 49 minutes of my cardio, which is a brisk walk on the treadmill. Motivation lein, guys. Raat ke 2 baje. Raat ke 2 baje. Hum gym mein cardio kar rahe hain. And Ali Hamza bhi saath hi hain. अपने वेट्स करके वो अब कार्डियो कर रहे हैं एंड एज ऑलवेज ही इज़ वॉचिंग टिकटॉक ऑन हिज फोन। डन विद माय वर्कआउट एंड जस्ट ऑन टाइम जिम भी बंद हो गया। हेलो गाइस, बैक फ्रॉम द जिम एंड नाउ टाइम्स टू स्टडी। आज बिल्कुल मूड नहीं हो रहा मेरा पढ़ने का, बट ये लो, तुम्हारा कभी मूड नहीं होता पढ़ने का। थैंक यू। मेरा मूड होता है हमेशा पढ़ने का, बट करना पड़ेगा। गाइस, ये हस्बैंड लाइक मी हु फोर्सेस हर टू स्टडी, और नहीं करती ना तो जबरदस्ती बैठा देता हूँ कि पढ़ो। दैट इज ट्रू। तो मुझे जिम भी नहीं लेके जा रहा था, देना इमोशनली ब्लैकमेल मामले के लिए। जिम से मेरा दिमाग चलता है, तो अगर जिम जाऊंगी तो अच्छा पढ़ूंगी वरना नहीं पढ़ूंगी। सुनो, मुझे एक ग्रीन एप्पल और एक पानी की बोतल भी ला दो। इट्स कॉल्ड ग्रैनी स्मिथ। ग्रैनी स्मिथ एप्पल और पानी की बोतल। मैंने भी क्या इंस्ट्रक्शन दिया, लैपटॉप नहीं होता, मैकबुक होता है, और एप्पल नहीं होता, ग्रीन एप्पल नहीं, ग्रैनी स्मिथ। यस, ला दो ब्रो। स्टॉप कॉलिंग मी ब्रो, स्टॉप कॉलिंग मी बीबी। बोल दिया था मैंने, छोड़ दिया था बोलना। चले गाइज, आई एम गोइंग टू स्टडी, और आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।